गाइस भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर गलती से भी आपके घर पे गैस का सिलेंडर फट जाए या फिर गैस लीक होने की वजह से जान माल का नुकसान हो जाए, सो इन दिस कंडीशन आप लोग जान माल के नुकसान की भरपाई गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी से कर सकते हो और यह आपका हक है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि ऐसा एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए पर पर्सन कैजुअलिटी के और 50 लाख रुपए पूरे एक्सीडेंट के आप लोग गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी से सहायता के हकदार हैं और ये जानकारी आपको होनी चाहिए। गाइज आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी, इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइज। पर गाइस क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। आखिर ऐसा क्या है इसराइल देश के पास कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी कोई भी दुश्मन इसराइल की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? चलिए आज इस वीडियो में मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है इसराइल की खुफिया एजेंसी। जी हां गाइस, जैसे इंडिया की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ, वैसे ही इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, जिसका मतलब होता है मृत्यु। गाइस ये इतनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है कि इसराइल का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो उसे ढूंढ के सीधे ऊपर पहुंचा देती है। इसीलिए इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है और इसी वजह से कोई भी दुश्मन इसराइल की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का एक और कमाल सुनिए। नवंबर 2019 में कार्टोसेट 3 नामक एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्पेस में इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब इसकी खास बात सुनिए, 509 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 10 इंच तक की ऊंचाई की साफ तस्वीरें ये इसरो को भेज सकता है। मतलब आपकी कलाई की घड़ी में कितना बजा है इसकी साफ तस्वीर ये इसरो को भेज सकता है और आज से पहले तक किसी भी देश ने इतना ताकतवर कैमरा कभी लॉन्च ही नहीं किया है। इसरो ने हमेशा हमारे सर को फक्र से ऊंचा किया है, इसलिए उनके लिए एक लाइक तो बनता है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को 2 कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे जरूर लिखिएगा। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइज इन सरदारों के लिए एक हार्ट तो बनता है।